रियल लाइफ में कैसा होगा कबीर सिंह की बंदी का बॉयफ्रेंड, एक प्रेस ने बताया। कबीर सिंह की सफलता से उत्साहित कियारा आडवाणी फिलहाल अपनी नई फिल्म गुड न्यूज की तैयारियों में जुटी हैं। अक्षय, करीना और दिलजीत जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था और इसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं। माना जा रहा है कि कबीर सिंह के बाद कियारा की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट पर सफल चल रही कियारा हालांकि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक इवेंट के दौरान बताया कि वे कैसे लड़के को डेट करना चाहती हैं। कियारा ने फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में एक अवार्ड हासिल किया। उनसे पूछा गया कि वे कैसे शख्स को डेट करना चाहती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और वो सभी शानदार क्वालिटी जो होती हैं, वो उसमें होनी चाहिए और उसकी नजरें हमेशा मुझ पर टिकी होनी चाहिए, बस इतना ही चाहती हूँ। कियारा ने इससे पहले भी कबीर सिंह के प्रमोशंस के दौरान एक इंटरव्यू में अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड के बारे में बात की थी। इस इंटरव्यू में कियारा से पूछा गया कि आपके लिए एक आदर्श बॉयफ्रेंड की परिभाषा क्या है। इस पर कियारा ने बात करते हुए कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो काफी एक्सप्रेसिव हो, जो मुझे प्यार करे तो दर्शाए, ईमानदार हो, लॉयल हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो, फैमिली को प्यार करता हो, प्रोफेशनल स्तर पर बेहद बिजी हैं कियारा। वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी आखिरी बार फिल्म कबीर सिंह में देखी थी। फिल्म में वे शाहिद कपूर के ओपोजिट थी। मूवी को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी। फिल्म को संदीप वांगारेड्डी ने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा कियारा फिल्म कलंक में भी नजर आई थी, हालांकि मूवी में उनका रोल कुछ खास नहीं था। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ये मल्टी स्टारर मूवी थी। करण जौहर ने इसे प्रोड्यूस किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कियारा अक्षय कुमार के साथ फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब और कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म भूलभुलैया 2 में भी नजर आ सकती हैं। इसके अलावा वे अपनी फिल्म गुड न्यूज के रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं, जो इसी महीने रिलीज होने जा रही है।